पास ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ मेरे पास है दो बड़े ब्रशेस, ठीक है, तो कैनवस जैसे बड़ा कैनवस होता है, अगर आपको उसको पेंटिंग्स करनी है तो आप इससे कर सकते हैं, अगर आपको छोटे से करना पसंद है तो आप छोटे से कर सकते हैं, अगर मैं किसी बड़े कैनवस पे करती हूँ तो मैं किसी को डिस्कस कर सकता हूँ। और मेरे पास है स्प्रेस, ठीक है, पेंट स्प्रेस जो होता है डिफरेंट कलर्स के, जैसे ब्लू है, येलो है, और मेरे पास वाइट है, मेरे पास मौजूद हैं आर्ट ब्रश, ठीक है, आप इसके आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, आप मैंने ले लिया है, ठीक है, इसको फिर हम लेकिन डाल के उसको अच्छे से ना डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इतने साइज हैं, ठीक है, फोर एवरी डे, ठीक है, इनमें से मैंने कुछ भी अभी तक यूज नहीं किया है, बाय लिखा हुआ है, हाँ, इन सारी चीज़ों को कट करने के लिए और इनको डेकोरेट करने के लिए, तो आपको अगर वुड पे अच्छे से डेकोरेट करना है तो आप इसे कर सकते हैं। और यह मेरे पास मौजूद है कुछ, ठीक है, ठीक है, एक इस कलर में ब्लू, एक ग्रीन, रेड एंड वाइट, और यह मेरे पास ये तो मैंने काफ़ी बार यूज़ कर लिए हैं तो इसलिए थोड़े से ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ मेरे पास मौजूद है ग्लास कलर्स, ग्लास होते हैं जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, आपको अगर आपको उसको पेंट करना है तो आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाकी पेंट से करेंगे तो अगर आप उसको धोएंगे तो वो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्लास कलर थे, इसके अभी प्लास्टिक शीट चल रही है तो मैं इसको भी निकाल ही सकती हूँ, वैसे आप कलर्स देखना इसके, ठीक है, ऊपर ब्रश भी आ गया। और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 4x4 इंच की कैनवस, ठीक है, ये तीन कैनवसेज हैं, तो इस पर डिप करके आप इससे कैलीग्राफी कर सकते हैं, खताती के पेन कहते हैं उनको शायद, ठीक है, तो ये स्टिक है, इसमें डिफरेंट शेड है, ब्लैक है, पर्पल है, रेड है, येलो है, ऑरेंज है, ठीक है, ये सारे कलर्स के शेड हैं। और यहाँ मेरे पास मौजूद हैं ऑयल्स, जो मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक, तो इन्हीं ऑयल्स में डालेंगे हम ऑयल कलर और फिर इससे हम पेंट करेंगे। और यहाँ मेरे पास मौजूद हैं ब्रशेस तो बहुत सारे, ठीक है, एक ये हैं, एक ये हैं, और एक ये है पेन ब्रश, ठीक है। अब ये अलग क्यों होते हैं, क्योंकि इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अगर ब्रश इसलिए होते हैं अगर आपको फिर इसके वो लीव्स बनाने का आप उसे कर सकते हैं, बहुत सारे आर्ट काम आर्ट वर्क से कर सकते हैं, ठीक है।
खत्म होने वाले थे या सब अच्छे, और ये दोनों ब्लैक हैं, ठीक है। और यहाँ मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट वो पेंट लाइनर है, ठीक है। अगर हमें कैनवस पे पेंट करना है तो हम उसको पेंसिल से यूज भी करेंगे, ड्राई से बाद फिर उस पर शराब होता है, तो इसकी नेप होती है इसकी छोटी लगानी पड़ती है, तो फिर आप उससे करके ट्रेस करके फिर उसको। यहाँ मेरे पास मौजूद है कैनवस, ठीक है, एक नहीं है छोटे, ठीक है, तीन साइड, एक सबसे बड़ा दिखा लिया है, तो अब हम इनको एक जगह पे सेटल करके रखेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया एक सूटकेस, ठीक है, वैसे इसको कुछ है तो नहीं, बिल्कुल खाली है, तो इसमें मैंने सोचा मैं अपना सारा पेंटिंग का सामान रखूँगी, पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट का, इसमें काफ़ी जगह आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी जगह है, तो अब मैं इसमें अपना सारा सामान रखूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं एक्रेलिक कलर, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, बस एक दो ही हैं जो फिल हैं, मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया, तो इनको मैं रख देती हूँ साइड पे। और यहाँ है मेरे पास ऑयल कलर्स, ठीक है, इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। देयर इज ग्लास पेंट, ठीक है, ग्लास कलर्स, तो इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। वाटर कलर्स, तो वही वाटर कलर है, अब इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। अब मैं अपने यहाँ पे रखूँगी सारे पेंट ब्रशेस, ठीक है, ये सारे मेरे पास पेंट ब्रशेस हैं, फैन ब्रश और ये सारे, तो इनको मैं रख देती हूँ एक साइड पे, ठीक है, और इन दोनों ब्रशेस को भी मैं रख देती हूँ इसी के ऊपर। मैंने ले लिया 4x4 इंच के तीन कैनवस, ठीक है, मैंने आपको शो भी किए थे, एंड इनको मैं रखूँगी, ठीक है, पेंट्स के साथ ही, क्योंकि पेंट कैनवस पे भी पेंट करना होता है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास है रेजिन, ठीक है, चार रेजिन है मेरे पास, ये दोनों पैक्ड हैं, तो इनको मैं रखती हूँ यहाँ, एंड ये भी दोनों रेजिन हैं, ठीक है, और इनको मैं इनके ऊपर ही रखती हूँ ताकि जगह ना घिरे। अच्छा, तो यहाँ मेरे पास है कैंडल कटर, ठीक है, तो इसको मैं रख देती हूँ इधर, ये वैसे बहुत शार्प होता है। पेंट लाइनर यहाँ रख रही हूँ मैं इसको, एंड दिस इज इंक ऑफ खताती कैलीग्राफी के जो पेंस हैं उसकी इंक है, इसको मैं खड़ा करके रखूँगी। और यहाँ मेरे पास है पुश पेंस, ठीक है, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। देन खताती के पेन कैलीग्राफी के लिए जो होते हैं इनको मैं इसी के साथ रख देती हूँ। और यहाँ मेरे पास है रेजिन की अंगूठियाँ, ठीक है, मैंने आपको शो भी की थी, तो इनको मैं इधर ही रख देती हूँ साइन सामने। आई हैव ऑयल्स, इस पर बताया था ना कि ऑयल कलर्स को मिक्स करके फिर इसमें होता है ऑयल पेंट, तो इनको भी खड़ा करके वैसे हमने रखना होगा ताकि लीक ना हो जाए, वैसे टाइटली बंद तो है लेकिन फिर भी ये लीक ना हो जाए, ठीक है। और मैं अपने ये वाले पेंट्स, ठीक है, इसमें गोल्डन है और बहुत सारे पेंट्स हैं, ये गोल्डन है बाकी ब्लैक है, ठीक है, तो ये सारा सामान मैंने इस पे रख दिया है। अब जो बस मेरे पास स्प्रेज बचे हैं, कैनवस बचा है एंड स्केचिंग पेपर बचा है, तो उसको फिर हम सेटल करते हैं, तो मैं अब कर देती हूँ बंद। ओके, सो हियर आई हैव कार्डबोर्ड, ठीक है, मैंने कार्डबोर्ड ले लिया, कोई सा भी ले लें आप, ठीक है, तो यहाँ मेरे पेंट्स हैं, ठीक है, अब इनको मैं सूटकेस में तो नहीं रख सकती थी, तो इसको सबसे पहले मैं इसको रख देती हूँ, तो पेंट्स को मैं इन सबको इसमें ही रखती हूँ ज़्यादातर। रेड, येलो एंड ब्लू, ठीक है, ये दोनों
चीज़ें बची हैं तो अब मैं इनको किसी कार्डबोर्ड या किसी और चीज़ में तो नहीं रख सकती, तो इनको मैं इसके ऊपर ही रख दूँगी, मतलब जहाँ मैं ये सूटकेस रखूँगी उसके ऊपर मैं कैनवास रख दूँगी एंड ऐसे मैं रख दूँगी यहाँ पे स्केचिंग पेपर्स, ठीक है, और ये रहे हमारे पेंट्स, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।